हेलो एवरीवन, सीबीएसई के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें कंपार्टमेंट आई थी, उनके पेरेंट्स और बहुत सारे गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने ये सीबीएसई के लिए वो रिक्वेस्ट करा है कि कंपार्टमेंट एग्जाम्स कैंसिल किए जाएं, और इसके रिलेटेड उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन भी दायर की है। काफ़ी सारे पिटिशन्स हैं जो कि इस बात की रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन आज सीबीएसई ने इस बारे में एक नोटिस जारी कर एक क्लेरिफिकेशन जारी कर ये बताया कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं, इस एग्ज़ाम्स को हम लोग किसी भी स्थिति में कैंसिल नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स की जो कंसर्न है एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, तो यूनिवर्सिटीज़ को ये डायरेक्शंस दी जा चुकी है कि जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं उन्हें प्रोविजनल एडमिशन दिया जाए, एग्ज़ाम्स होने के बाद उनका जो एडमिशन है वो कन्फर्म कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम्स के बारे में सीबीएसई ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि एग्जाम्स कंपार्टमेंट की क्लियर कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए सब बच्चों को फेल कर देते हैं या सब बच्चों को पास कर देते हैं तो इसमें बहुत नुकसान होगा और ये पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण से जब भी डेट डिक्लेयर होगी, जब भी डिसाइड होगी, तभी एग्जाम्स करवाई जाएगी। इस बीच पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं, प्रोविजनल एडमिशन उन्हें मिलेगा, और जब बच्चे 12th क्लियर कर लेंगे तो उन्हें परमानेंट एडमिशन आगे कंफर्म हो जाएगा। तो आई होप कि सीबीएसई रिलेटेड ऐसे और अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।